हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने खड़ा है पैशन प्रो 110 BS6 मॉडल। तो आज मैं आपको इसका वाइब्रेशन टेस्ट दिखाने वाला हूँ। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इस बाइक के वाइब्रेशंस को लेकर, और मतलब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इसका गियर भी फंसता है। तो मैं आज आपको इसका वाइब्रेशंस दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा आपको इसमें वाइब्रेशंस देखने को मिलता है और क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए BS6 मॉडल में। तो आज आपकी जितने भी डाउट्स है वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, जरा भी स्किप ना करें। और स्पेशल थैंक्स हम बोलना चाहेंगे शांति हीरो का, जिन्होंने ये बाइक आज हमें प्रोवाइड किया है रिव्यू पर्पस से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वाइब्रेशन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें और क्वेश्चन पूछ लें। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी बाइक जो है वो स्टार्ट है, तो आपको वाइब्रेशंस का आइडिया लग रहा होगा सामने ही। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी जो है वो बाइक अभी जो है हमारा स्टार्ट है। मैं आपको एक बार इसका इंजन साउंड सुना देता हूँ। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसके वाइब्रेशंस का, तो वाइब्रेशंस आप देख सकते हैं। अभी मैं एक बार रेव करता हूँ इसको, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब देखा जाए तो वाइब्रेशंस बात करें तो, अगर टैंक के वाइब्रेशंस की, तो टैंक पे आपको एकदम मतलब वाइब्रेशंस बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो अब हम इसके सीट पर एक बार परफॉर्म करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि सीट पर कैसा वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सीट की, तो सीट पर आपको काफ़ी कम वाइब्रेशंस मिल रहा है एज कम्पेयर टू, अगर आप टैंक से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि जो इसका इंजन है वो फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है और काफ़ी रिफाइंड हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बात करते हैं SP का भी की कर रखा है वाइब्रेशन टेस्ट, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी कम वाइब्रेशन देखने को मिल रहा था, तो उसके कंपैरिजन में इसमें भी काफ़ी कम वाइब्रेशन है। तो BS6 मॉडल में सारी जो बाइक्स अभी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड आ रही है। मैं एक बार इसके फुटपैक्स पर आपको दिखा देता हूँ टेस्ट करके। यहाँ ले, इधर इधर। तो बात करते हैं फ्रेंड्स फुटपैक पर, तो फुटपैक्स पर आपको वाइब्रेशंस थोड़े फील होते हैं, वो आप राइडिंग करेंगे तब भी आपको फील होगा। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा फ्रेंड्स कि फुटपैक्स पर थोड़ा सा वाइब्रेशंस देखने को मिलता है, बट टैंक और सीट पर आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होगा, थोड़ा सा आपको हैंडल पर फील होगा। तो मैंने फ्रेंड्स इसका डिटेल में वीडियो बना रखा है राइड रिव्यू वगैरह, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। होप करता हूँ फ्रेंड्स आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना होता है मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।